हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे समरूपता के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की, और हम अगली थ्योरम्स ले रहे हैं आपकी बुक की प्रमेय 11.10। उसका कथन क्या है दोस्तों? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह समकोण त्रिभुज होता है। ये प्रमेय है। इस प्रमेय को बोधायन प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो बोधायन प्रमेय का विलोम अब हम पढ़ने वाले हैं। बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोधायन प्रमेय का विलोम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, इसका मतलब इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह हमें दिया हुआ है। दोस्तों, आगे लिखना है, हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखें, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी रचना। तो रचना में आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक अलग से त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज डी ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज डी ई एफ की रचना की, जिसमें ये हो जाएगा दोस्तों डी ई बराबर ए बी व ई एफ बराबर बी सी हो। हमने ऐसा त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है कि ए बी के बराबर डी ई का मान रहे और बी सी के बराबर ई एफ का मान रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपके उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे दोस्तों? समकोण त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी एफ स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर एक। परंतु आप देख रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ए बी का मान डी ई के बराबर है, तो डी ई की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं और ई एफ की जगह बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों जो समीकरणों के हैं वो आर एच एस पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, या ये बराबर है तो इनके वर्गमूल भी बराबर होंगे, इसका मतलब ए सी बराबर डी एफ। दोस्तों इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर तीन। अब हम दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों को हम सर्वांग सम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए दो भुजाएं हमने रचना में पहले ही बराबर लिए दोस्तों, ये वाली और ये वाली। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ, ये हो जाएगा रचना से, ये भी हो जाएगा रचना से। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए सी बराबर हो गया है डी एफ, समीकरण तीन से। तो दोस्तों एस 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 सर्वांग समता नियम लगेगा, एस 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 सर्वांग समता नियम से ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी और सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ है, इसका मतलब इनके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, तब कोण बी बराबर कोण ई। अब देखें दोस्तों, कोण ई का मान 90 डिग्री है, अतः कोण बी बराबर भी दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो त्रिभुज ए बी सी
एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों इस प्रमेय को बोधायन प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, इसे और इसे सर्वांगसम करना है और सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो सिद्ध कर दिया कि वह एक समकोण त्रिभुज होता है। हमने सिद्ध कर दिया कि कोण बी का मान भी 90 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।